बता दें कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गदरपुर में 66 विधानसभा, रुद्रपुर के सुंदरपुर से भांखड़ा नदी में बनाई गई पुलिया को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। इस पुलिया निर्माण को लेकर कई सालों से ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किए हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य, भाजपा जिला महामंत्री अमित नारंग के सहयोग से अब जब पुल निर्माण हेतु 16 लाख स्वीकृति दी गई, इधर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुल निर्माण में केवल खानापूर्ति की गई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के जिला महामंत्री अमित नारंग का कहना है कि पुल निर्माण अभी अधूरा है। कुछ कांग्रेसी लोगों के इशारे पर कुछ लोग पुल निर्माण कार्य का विरोध जता रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों का आरोप है कि जिला योजना से स्वीकृत सुंदरपुर के भांखड़ा नदी के ऊपर बनी पुलिया लगभग 16 लाख की लागत स्वीकृत हुई थी। ग्रामीणों ने कहा कि ठेकेदार के द्वारा एस्टीमेट के हिसाब से पुल निर्माण नहीं कराया गया है। उनका कहना है कि एक बार की भी भारी बरसात में ये पुल टूटकर बिखर जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा जिला महामंत्री अमित नारंग ने कहा कि पुल निर्माण कार्य अभी अधूरा है, परंतु कांग्रेसियों के नेता के एजेंटों के द्वारा निर्माण कार्य में बाधा डाली जा रही है। देखिए, ये जो पुल अभी कुछ दिन पहले जब इस पुल का उद्घाटन हुआ था तो पूरे गांव वाले सब खुश थे, बहुत हर्षोल्लास के साथ हम आए थे यहाँ पे। पूरे गांव वाले ही आए थे यहाँ पे देखने पुल का उद्घाटन, और गांव वालों ने, कई गांव लोगों ने अपनी खुशी से अपने पैसे से मिठाई भी बांटी थी। लोग इतने खुश थे क्योंकि ये जो पुल है, इस पुल के लिए बहुत पहले से संघर्ष चल रहा है। मैं तो जब से समझदार हुआ हूँ तब से ही देख रहा हूँ कि इसके लिए संघर्ष चल रहा है। हो सकता है मेरे बड़े बुजुर्गों ने उससे पहले भी संघर्ष किया हो इस पुल के लिए, क्योंकि हमारा जो कोई भी काम होता है, हमारा जो सुंदरपुर गाँव है वो दिनेशपुर और गदरपुर के एकदम बीच में पड़ता है। तो हमारा जो मोस्टली काम रहता है वो दिनेशपुर से ज्यादा गदरपुर में रहता है। तो ब्लॉक, तहसील, हमारा पूरा गांव इलाका है, गांव में पूरा काम तहसील का, ब्लॉक का, और भी अन्य काम के लिए हमें गदरपुर ही मोस्टली जाना पड़ता है। लेकिन जब बारिश का सीजन आता है तो वही हमें गदरपुर जाने के लिए दिनेशपुर घूम के जाना पड़ता है। तो ये पुल हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो ये पुल जब बनने का पास हुआ था तब हम बहुत खुश थे। अब आप ये पुल देख सकते हो, इसमें 8 पाइपें लगी है, रेता वहां से उन्होंने उठा के इसमें लगा दिया और 8 पाइपें लगी है। 8 पाइपें मतलब एक पाइप 50,000 रुपए का लगा दिया है उन्होंने। आप ये पुल देख के, आप, मैं क्या बताऊं, आप कोई भी जो एक बंदा अनपढ़ भी होगा ना, वो आके बता देगा कि ये पुल एक सीजन भी नहीं जाएगा। अभी इसी साल अभी 2 महीने बाद बारिश आने वाली है, 2 महीने बाद बारिश आएगी, ये पाइप पता नहीं कहाँ चली जाएगी, ठीक है। और 16 लाख का जो बजट पास हुआ है, इसमें मुझे नहीं लगता कि 16 लाख यूज हुआ है। इसमें 2-4 लाख इन्होंने यूज किया है और बाकी पूरा धांधली हुआ है इसमें। और आप देख सकते हो, इसमें ये इन्होंने पाइप इधर से लगाया है और उधर से पूरा खाली है, और उधर से जो है गड्ढा हो रखा है। और जैसी बारिश होगी, हमारे कभी जब हमारे यहाँ पे हमने देखा है, बारिश जब होती है ये पानी वहां रास्ते तक पहुंच जाती है, एक खंभा आराम से चला जाएगा नदी में। तो यह जो पानी आएगी उधर से नदी कट जाएगी और ये पूरा पाइप इधर ही रह जाएगा कुंदन नगर में। तो हमारे सुंदरपुर लोगों को, सुंदरपुर के लोगों को क्या फायदा होगा इससे? तो हमें अगर नदी में उतर के पानी पार करके ही जाना है बारिश में, तो इस पुल का फायदा ही क्या हुआ हमें? तो मैं, ये जो अधिकारी लोग हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, ये जो पुल बना है इसका जांच कीजिए और जो हो सकता है इसको दोबारा कीजिए, क्योंकि ये पुल जो बना है दोबारा ही बनना चाहिए, क्योंकि इसका पुल का मरम पट्टी करके दोबारा इसका नहीं हो पाएगा। ये जितना भी मरम पट्टी करोगे, खराब चीज खराब ही रहेगी। और मैं नेता लोगों से, जो हमारे नेतागण है, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। ये भी आपका ही गाँव है, जब आप वोट लेने आते हो अपना समझ के, सबके हाथ पैर जोड़ते हो, तो जब वोट हो जाता है उसके बाद भी अपना ही गाँव समझिए। या तो आप दर्शन नहीं देते हो, या तो आप ऐसे फर्जी काम कर देते हो कि हमें बाद में आके ये चैनलों पे आना पड़ता है। भाई, आप हमें अपना समझोगे तभी तो हम आपको अपना समझेंगे ना। आप अगर अपना होते तो हमें ये बाहर से लोगों को दिखाना नहीं पड़ता कि आप हमारे गांव के साथ ऐसा कर रहे हो, गलत कर रहे हो। हम सीधे आपके पास कॉल करते हैं, बोलते नेताजी यहाँ पे काम गलत हो रहा है। तो नेताजी आप हो कहाँ? ये पुल बना है आपने, उसके बाद एक बार देखा इस पुल का क्या हुआ है? तो आइए इसका जांच कीजिए दोबारा, और जो ये पुल बना है इसको दोबारा बनाने की कष्ट कीजिए आप। देखिए, ये करीब 16 लाख की लागत से रपटा पुल मंजूर है, और जहां तक आरोप प्रत्यारोप का मामला है तो कुछ कांग्रेसी हैं, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सरकार है नहीं उनकी, आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका, आरोप लगाना, ऐसे ऐसे काम करना उनका इस समय काम है, विपक्ष का काम ही यही है। और विपक्ष ने आज तक कभी विकास की सोच नहीं सोची। ये जब से देश आजाद हुआ है, यहाँ पर गांव बसे हैं, तब से लेकर ये एक समस्या यहाँ पर थी कि यहाँ पर एक पुल बनना चाहिए।
लेकिन यहाँ पुल नहीं बन पाया बड़ा वाला किसी कारणवश। लेकिन यहाँ फिर ग्रामीणों ने मुझे कहा कि यहाँ एक रपटा पुल मंजूर करा दीजिए जिससे लोगों का आवागमन शुरू हो जाए। तो उस रपटा पुल का हमने यहाँ उसको मंजूर कराया, करीब 16 लाख की लागत से वो बन रहा है और उसका काम करीब आचार संहिता लगने से पहले से शुरू हो गया है, जिसका काम लघु सिंचाई विभाग करा रहा है और ठेकेदार ऋषभ बठला गदरपुर के हैं, जो कि बठला कॉन्ट्रैक्टर के नाम से वो ठेकेदार इसके हैं। अब यहाँ पर 8 दिन से पहले काम, यहाँ किसी किसान का आपस में विवाद हो गया, उसने मिट्टी नहीं डालने दी, 8 दिन से काम रुका हुआ था। जिस काम को कल अधिशासी अभियंता से मैंने निवेदन किया, ए साहब से कहा कि आप आइए एक बार 5 बजे मौके पर उसका समाधान निकालिए, तो कल एक्शन साहब और ए साहब यहाँ मौके पर आए थे और उसका काम कल विधिवत रूप से शुरू हुआ है, आज भी काम चल रहा है, अभी वो अपूर्ण है। मैं ये बता देना चाहता हूँ आज आपकी मीडिया के माध्यम से भी कि वो कार्य अपूर्ण है और जब पूर्ण हो जाएगा तब लोग बताएंगे, लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी मुझे लगता है कि इसमें 30% 40% काम करीब रह गया हुआ है, वो काम कल से प्रारंभ हो चुका है, आगे भी चलेगा मुझे लगता है 10 दिन में, जो अधिकारियों ने मुझे बताया। और मैंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि कोई भी इसके अंदर जो भी आपने एस्टीमेट में काम लिए हैं, एस्टीमेट से अधिक काम होना चाहिए, ये मुझे भी दिखाई देना चाहिए। ये कल मैंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कल यहाँ पर कहा है और अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि एस्टीमेट जितने का है उससे भी एक्सेस काम हम करके दिखाएंगे, ये उन्होंने कल जनता के बीच में, सारी जनता थी कल उनके बीच में, उन्होंने आश्वासन दिया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।